अबे वो नक्कारों के सरताज, दोपहर से देख रहा हूँ तू फोन क्यों नहीं उठा रहा बे। अबे सबको लगता है कि मैं हमेशा वेला बैठा रहता हूँ, इसलिए फोन नहीं उठा रहा हूँ। अबे ऐसा कौन सा कद्दू में तीर मारने वाला है तुम्हें जो फोन उठाने भर की भी फुर्सत नहीं है। अबे तुझे ज्यादा चस्का है ना, चले तू ही फोन उठा लियो। आज इंडिपेंडेंस नाइट को मुझे माँ बहन की डिक्शनरी खोलने पे मजबूर मत कर, मुझे मेरी आजादी बहुत मुबारक है। चल चल। भाई यार ये कौन पागलों की तरह बेल बजा रहा है। सॉरी किधर है यार तू पप्पू। अच्छा वो सब छोड़ अंदर आ। दैट अबे हट। अबे क्या बसड़ मचा रखी है और फोन क्यों नहीं उठाता तू। अबे लुलू ये देख, ये मैंने नया रियल एस्टेट एजेंट का बिजनेस शुरू किया है, ये भसड़ मचा रखी है। और कल ना मेरी एक बहुत बड़ी डील के लिए मीटिंग है। कल 15 अगस्त को जैसे हमारा भारत देश आजाद हुआ था वैसे ही मुझे भी वेलापंती से आजादी मिल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। वेलापंती नहीं, तुझे तो इस दुनिया से आजादी मिलेगी। क्या बोल रहा है? किशन खुराना के साथ डील साइन करने जा रहा तू? हाँ वो 4 करोड़ की प्लॉट की डील है। हाँ तो क्या हो गया? लेकिन तुझे किशन खुराना के बारे में क्या मालूम है? अरे पूरे मोहल्ले को पता है, तुझे ही नहीं पता। गूगल मार गूगल बेटा, 25 मर्डर, 35 किडनैपिंग और 52 एक्सटॉर्शन केसेस है उस पे तेरी पप्पूपंती नहीं चलेगी, मतलब चप्पूपंती नहीं चलेगी पप्पू। अबे डरा क्यों रहा है बे? डील तो ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है, बस कुछ स्टैंप पेपर्स पे उसके साइन लेने हैं, वो ही बस थोड़ा सा नखरा कर रहा है। यही सोच रहा हूँ कि उसको पटाऊं कैसे। एक आइडिया है। क्या? जब तू उसके साथ किशन खुराना के साथ डील साइन करने जाएगा ना, तो ना तू उसको कोई गिफ्ट दे दे, समझ गया ना तू? अबे हाँ हाँ समझ गया समझ गया। इन डॉन लोगों को कैसे गिफ्ट पसंद होते हैं ना, वो मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं भी सोच रहा हूँ कि कल पिंकी को अपने साथ ले जाऊं। अबे गलती से भी मत सोचना पप्पू, जब से उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई है ना, तब से उसको औरत जात से नफरत है। गलती से भी किसी लड़की की फोटो या वीडियो देखता है ना तो तुरंत गन निकालने लगता है वो। अच्छा फिर तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। लेकिन सुन, कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा इस किशन खुराना को पटाने के लिए, तभी डील हो पाएगी। अबे उल्टी खोपड़ी, तुझे कैसे पता चला मैं आ रहा हूँ? जब घर में तेरे जैसा वायरस रहता हो ना तो डबल डबल फायरवॉल लगानी पड़ती है। यहाँ क्यों मरने आया? अबे मरने नहीं, बाजी मारने आया बड़बूजे। ये देख मैंने नया बिजनेस शुरू किया रियल एस्टेट का, ये मेरा विजिटिंग कार्ड टुच्चे। ओह नया मोबाइल एप्पल। गाने डालना क्या इसमें? तेरे जैसा डफर इंसान ना बस यही कर सकता है इसके साथ। हाँ तो तू बड़ा इस मोबाइल में रख के रॉकेट लॉन्च करने वाला है। जीजे इंडिपेंडेंस डे के ओकेशन पे ना मैंने ब्लैक मनी ट्रैकर नाम की एक ऐप डिजाइन करी है जो गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्मेशन देने में हेल्प करेगी कि किस किस के पास ब्लैक मनी है, ताकि हमारे देश को काले धन से आजादी मिल सके। सच में? देखो चल हट। कल इंडिपेंडेंस डे को पीएमओ के ऑफिस का स्पॉन्सर्ड यू टेक्नो फेयर है जहाँ पे ये ऐप मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ, और एक बार ये ऐप पास होगी ना जीजे तो कल दोपहर का खाना पीएमओ के ऑफिस में, चुप कर बे और रात का पार्लियामेंट में। अरे मेरे उल्टे दिमाग वाले लुलू साले, आई मीन भोले साले, सोचना अगर ये ऐप तू अपने पीएमओ ऑफिस वालों को देगा तो तुझे क्या मिलेगा? एक सर्टिफिकेट और ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर में 2x2 की फोटो। लेकिन अगर यही एप्लीकेशन तू किसी डॉन को गिफ्ट कर दे तो इसके बदले तुझे इतना बड़ा इनाम और साथ ही साथ उसकी हर एक्सट्रॉशन की कमाई में से हम कमीशन ले सकते हैं। अबे हम 5 फिल्म के छठे हीरो, जब भी अपना मुंह खोलेगा हमेशा स्पैम ही उगलेगा। अभी तो देश के बारे में सोच लिया कर, थोड़ा तो सोच लिया कर। चल दफा हो जाए यहाँ से, मुझे कल के लिए प्रेजेंटेशन बनानी है। जय हिंद। जय हिंद साले गिरगिट। खुराफाती खिचड़ी पक रही है तेरे दिमाग में। सही कहा ब्रो, जसबी ने जो मोबाइल ऐप बनाया ना ब्लैक मनी ट्रैकर, मैं तो सोचता हूँ
कि वही किशन खुराना को गिफ्ट कर दूं। ब्लैक मनी ट्रैकर से डॉन अलर्ट हो जाएगा और अपना ब्लैक मनी व्हाइट कर लेगा। फिर तो वो मेरा प्लॉट खरीद ही लेगा, और एक बार उसने एक प्लॉट लिया फिर तो 2-3 प्लॉट में उसको ऐसे ही चिपका दूंगा। मरेगा कुत्ते की मौत मरेगा, आजादी के दिन होगा तेरा मरण दिन। पढ़ा लिखा होता तो लिख के दे देता मैं। अबे चुप रह बे, बुलडॉग की शक्ल में पोमेरियन बकवास करता है। आजा आहो मम्मी जी। मजा आया ना मम्मी जी? बहुत ज्यादा। ए बहू, 2 हफ्ते लगातार बजरंगी भाईजान देखने के बाद ना आज मुझे पता चला कि असली हीरो कौन है। बहू, कल 15 अगस्त है ना आजादी का दिन। यस मम्मी जी, तो आज तारावंती वर्मा पटियाले वाली ये कसम खाती है कि वो कल से अपनी जिंदगी के अकेलेपन से आजादी पाने के लिए जुट जाएगी। ओए ओए, हाउ स्वीट। स्वीट से याद आया, मुझे तो स्वीट खानी है बहू। आई लव स्वीट्स। आई लव स्वीट्स मम्मी जी। ओ यस। आयो रब्बा। वाओ, जल्दी बोलो। है बहू, कितनी मेहनत करनी पड़ती स्वीट खाने के लिए। मजा आ गया। मम्मी जी, अगर आपने कसम खाई है तो मैं भी कसम खाती हूँ कि कल 15 अगस्त को मैं अपने घर को ऐसे साफ करूंगी, ऐसे साफ करूंगी जैसे अमित जी ने रोड्स को साफ किया था। फिर देखना, हमारे घर का कोना कोना विल ग्लो लाइक गोल्ड। यप्पी। बहु, गोल्ड का तो पता नहीं, पर तू सफाई करेगी ना तो कोई क्लीन बोल्ड जरूर हो जाएगा। मजाक कर रही हूँ ना, जस्ट लाइक ब्रांड्स। बहुत स्वाद है। अरे सुन, फिर से सोरा लेमन जूस। अभी इस नेपाली का सूर्यास्त्र करता हूँ जसबीर के इस डुप्लीकेट मोबाइल का वॉल्यूम लेवल चेक करके। आतंकवादी हमला। अरे साहब जी, साहब जी अभी आंख लगा था। अरे नया मोबाइल लिया, क्या बात है। साहब जी, वो रात वाला देखने वाला वीडियो दिखाओ ना। काले कीचड़ में उगते हुए सिंगाड़े। तेरे जैसे लोग मोबाइल यूज करना नहीं जानते, उन्हें सिर्फ 2 ही चीजें पता होती हैं, गाना सुनना और वीडियो देखना। तो आप कौन सा मिस्टर इंडिया का अनिल कपूर बन जाएगा? दिखाओ ना वीडियो। अबे लुलू, मिस्टर इंडिया का अनिल कपूर यानी गायब तो कल मेरा आधा घर वाला साला होने वाला है। जब पीएमओ की मीटिंग में वो अपनी ऐप की जगह सनी लियोनी के पाप दिखाएगा। साजी, नेपाल कुछ नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा, क्या बोला? अबे समझता तो आड़ू से इंसान नहीं बन जाता। ऑपरेशन मोबाइल एक्सचेंज अब होगा। ठीक है, गुड नाइट। यार वो प्रॉपर्टी के पेपर्स आ गए, यही तो रखे थे। अरे कैनेडन सुन, तूने मेरे कुछ अब पेपर्स हटाए थे क्या? आज 15 अगस्त है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पुकी पू। तुम्हें भी तुम्हें कौन सा आजादी की लड़ाई लड़नी है? लड़नी है ना, बिल्कुल लड़नी है। देश आजाद हुआ है, पर क्या हम आजाद हुए हैं गंदगी से? इसलिए हमें लड़ाई लड़नी है, सफाई के लिए गंदगी से लड़ाई। तुम्हें पता है कि मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है हर तरह की गंदगी को सीधा डस्टबिन में पहुंचाना। इनफैक्ट आपके जो रूम में और ड्राइंग रूम में जो गंदे सड़े पेपर्स पड़े थे ना, क्या तूने वो कचरे में डाल दिया है? अरे मेरी पिन धागे की सुई, वो कचरे वाले पेपर्स नहीं थे, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री पेपर्स थे। अब तो मैं गया 12 के भाव उस किशन खुराना के हाथों। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? बेबी, तो तू वो कूड़ा कहाँ फेंकती हो? हाँ, सोसाइटी में
कॉर्नर पे जो बड़ा सा गंदा सा अगली सा डस्टबिन है ना उसके अंदर कचरा। पता नहीं हम कचरा वाला है या वॉचमैन, ये सोसाइटी वाला हमसे क्या क्या करवाएगा। रे साहब जी 15 अगस्त मुबारक हो, आप ये घुंघरू के माफे क्या ढूंढ रहे हैं साहब जी? ढूंढ भादो ढूंढ, तू भी ढूंढ। हाँ ढूंढो। साहब जी, और साहब जी हमारा इंटेलिजेंट दिमाग के हिसाब से तू क्या ढूंढ रहा है? अबे तुझे भी मेरी बीवी वाली बीमारी लग गई क्या? स्टैम्प पेपर जिसपे स्टैम्प्स लगे होते हैं। वो किशन खुराना तो मुझे मार ही डालेगा, क्या करूं? हायो रब्बा, पता नहीं भी कौन से रिफिल टावर की सफाई कर रही है, दरवाजा भी नहीं खोल सकती। ओए पप्पूआ खसमा नु खानिया, तू है मेरी फिल्म भी छुड़ा दी गैंगस्टर बासीपुर। मम्मी जी, मम्मी जी, नवाजू प्लीज वेट, आई एम कमिंग। अरे कैनेडियन, तूने वो कूड़ा कौन से कचरे के डब्बे में फेंका था? मैं तो सोसाइटी का पूरा डब्बा तलाश लिया। क्या कहा पूछी? मैंने आपसे कब कहा था कि पेपर को सोसाइटी के डस्टबिन में फेंका है? What is that? पर तूने तो कहा कि कचरा डस्टबिन में फेंक दिया। कचरा फेंका है लेकिन पेपर थोड़ी ना फेंके क्या पूछी? आप भी कैसी बातें करते हैं? अरे तो मेरी माँ कहाँ फेंका है फिर? पूछी, मैंने अपने इंटेलिजेंट दिमाग का इस्तेमाल करके मैंने वो पेपर्स ना, वो जो हमारे सोसाइटी में कॉर्नर पे वो चने वाला होता है, उसे दे दिए ताकि वो पेपर्स को अच्छी तरह से यूज कर सके फेंकने से पहले। इसे कहते हैं रिसाइकल। अरे तेरे रिसाइकल के चक्कर में मेरी साइकिल तो पंचर हो गई ना। पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपने मुझसे पूछा ही नहीं। आपने मुझसे ये पूछा कि मैंने कचरा कहाँ फेंका, लेकिन आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने पेपर कहाँ फेंके। तुमने कोई समझदारी का क्रैश कोर्स किया है कि ये पैदाइशी है? वो पूछी, मैं पैदाइशी इंटेलिजेंट हूँ। बचपन से मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ। अच्छा सुनो, अगर आपको टिप्स चाहिए तो मुझसे ले लेना। हाँ बाय पूछी पू। पाओ कितनी अच्छी सफाई करती हूँ मैं। आजादी के दिन भारत से कचरा उठाओ, जय हिंद, यप्पी। लेकिन अगर उस चने वाले से पेपर लेते लेते जसबीर घर से निकल गया तो मोबाइल कैसे चेंज करूंगा? हाँ, एहसान को कॉल करता हूँ। अरे पप्पू। हाँ पप्पू, आजादी मुबारक मेरे भाई। हाँ हाँ आजादी मुबारक। अरे सुनना, मुझे तेरी एक मदद चाहिए यार। हेलो, अब तू फटाफट से घर जा और जैसे ही तुझे मौका मिलता है ना, साले का मोबाइल उस मोबाइल से बदल देना। हेलो हेलो एहसान। हेलो हेलो। लगता है साले ने फोन ही काट दिया। पप्पू बेटा, अब तो सब कुछ तुझे अकेले करना होगा। भाग पप्पू, आंधी आई। यार मैं लोगों को पुड़िया बांधता हूँ और इस चने वाले ने मेरे पेपर्स की पुड़िया बांध दी। जस्सी 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 जस्सी, ये देखो, देख बे देख, ये देख, सपोलो को दूध पिलाया जा रहा है और तुझ कुत्ते को, बड़ी कुत्ते जैसी हालत हो गई तेरी घुंगरू। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, देख ले तेरे होते क्या कर रहा है वो। और अब होगा फोन एक्सचेंज प्रोग्राम। हाय हाय हाय। हाय जस्सी भैया। हाय छोटी। जस्सी भैया, आपको याद है बचपन में हमारी मम्मी एग्जाम से पहले कैसे हमें कर्ड एंड शुगर खिलाती थी?
अच्छा, जो ये बात है कनेडन, तो मुझे भी थोड़ा सा दही खिलाओ ना, क्योंकि देखो मेरे सारे पेपर्स मिल गए हैं। रियली? और अब मैं भी वो डील फाइनल कर दूंगा। खाओ जैसी भैया, अच्छा है ना? अरे ओ नो साले, तू तो गंदा नाला हो गया है। जा धोले शर्ट। अब घुंघरू की पूंछ, आजादी के दिन भी नहीं सुधरेगा ना तू। क्या कर दिया यार अमीना जीजा। अच्छे से धोना जस्सी भैया। अरे सालो, बात बात में मेरी प्यारी सी पूंछ को क्यों बीच में ले आते हो? 15 अगस्त बोल के खुद तो आजादी मना रहे हो, पर जरा मेरा भी तो ख्याल करो। कम से कम आज के दिन तो बाहर खुला छोड़ दो मुझे। जिस दिन पेटा में कंप्लेन कर दूंगा सब अंदर जाओगे। कैनेडन, मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है, तू मुझे नाश्ता नहीं खिलाओगी? ऑफ कोर्स खिलाऊंगी, क्यों नहीं खिलाऊंगी। आपका शाही ब्रेकफास्ट रेडी है, अभी लाती हूं। ओके बाय पुची। जस्सी फ्रॉम कनाडा। ओह नो, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया। ओए खोतिया, काश किसी और का फोन मिल जाता तो कम से कम 4-5 घंटे फोन पे बात तो हो जाती। बाय छोटी, शाम को मिलता हूँ गुड न्यूज के साथ। पीएमओ, आ रहा हूँ मैं अपनी नई ऐप के साथ। अरे साले साले फोन। अबे ऐप नहीं, तुझे तो स्लैप मिलेगा। सनी लियोनी के वीडियोस। उई हुई, तेरी कह के लूंगा। फर्स्ट आई से डोंट टेक। उई हुई, इतना संस्कारी है मेरा नवाजू, किसी से भी कोई चीज पूछे बगैर नहीं लेता। आसिना नवाजू, मैं तुझे काजू कहूंगी। What is this? ये बहू इतने सारे गमले, घर में पेड़ लगाएगी क्या? मम्मी जी, these are not gamlas, these are dustbins. वो क्या है ना मम्मी जी, सबसे ज्यादा घर में कचरा इसलिए फैलता है क्योंकि आसपास कोई डस्टबिन नहीं होता। इसलिए मेरे इंटेलिजेंट दिमाग ने कहा, जस्सी जाके हर कोने में एक एक डस्टबिन रख दे। How intelligent ना मम्मी जी, इसलिए from now on no कचरा। यप्पी, शाबाश पुत्र। तुझे पता है तेरा दही और शक्कर काम कर गया छोटी, काम कर गया। पीएमओ को ना मेरा ऐप बहुत पसंद आया और मुझे सर्टिफिकेट भी दिया फॉर एक्सीलेंस, और ये बुके भी। जीवता रहे, खुश रहे, जवानी अमान पुत्र। ओ बल्ले बल्ले बल्ले। हुई हुई, वेरी नाइस। यप्पी, मैं देखती हूँ। क्या हो गया, आपकी हालत किसने की? देखो इनका पूरा का पूरा गोदाम किसी ने फोड़ डाला। हाय पुत्र, ये क्या हो गया, तेरी ऐसी हालत किसने कर दी? क्या बताऊं मम्मी जी। मम्मी, देश के दुश्मनों ने बड़ी आजादी से धोया मुझे। अबे जीजे, तू क्या बॉर्डर से आया क्या? हाँ। चुप रहा, बॉर्डर पार जाने की जरूरत क्या है, अपने बॉर्डर से पहले ही देश के अंदर ही देश के इतने सारे दुश्मन जो बसे हैं। ओए, तो पता है मम्मी जी, मैं जिसके पास प्लॉट की डील लेके गया था वहाँ जाकर पता लगा कि वो एक स्मगलर है, और उसे ये जमीन इसलिए चाहिए थी जिससे वो अपनी स्मगलिंग का सामान वहाँ रख सके। That's so uncool. Yeah, cool नहीं, ना मैं cool. ओ शाबजी। जैसे ही मैंने उसे जमीन बेचने से मना किया, उसके सारे आदमी मुझ पर ऐसे टूट पड़े जैसे किसी पंप में हैप्पी हार्ट्स की घंटी बज गई हो। क्या मारा, यहाँ से मारा, वहां से मारा, ऊपर से मारा, नीचे से मारा, घुमा घुमा के पटक पटक के मारा, लेकिन मैं झुका नहीं। अच्छे जी। मैं हारा रही, मैं खड़ा रहा, और इस बात पर अड़ा रहा कि मैं अपनी भारत माता का गर्व नहीं टूटने दूंगा। आप कितने बड़े देशभक्त हैं। I love you so much and I love our देश। जय हिंद, जय हिंद। क्या बात है, क्या
क्या बात है? कोई क्या बात है? भारत के इस महान हिमालय पुत्र को इस खड़े नेपाल का, सॉरी पूरे नेपाल का सलाम। इंडिपेंडेंस डे हैप्पी। शाहजी हम चलता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जाता है शाहजी, गुड बाय। भारत माता की जय। जय जय शाबाश। ब्यूटीफुल। मैं तुम्हारे लिए ना फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ, ठीक है? बाय। ओए कितना बड़ा देशभक्त है मेरा पुत्र। ओए खसमा खाने आ पकड़। मैं ना तेरे लिए हल्दी वाला दूध बनाकर लाती हूँ। भाई साहब अगरबत्ती कितने की थी? जीजे अब मार्केट में जो तूने डाउन मार्केट की प्रोग्रामिंग की है ना, उसे ये लोग भले ही सब सच मान ले, पर मैं इसकी एथेंटिसिटी पता लगा कर ही रहूंगा। तेरे सिस्टम को डीबग करके ही रहूंगा जीजे। जय हिंद। भड़बूजा। तुम ना इसे एक सांस में पी जाना, फिर ये तुम्हारी बोन्स को ना फेविकॉल की तरह जोड़ देगा। यूपी। हाय हाय हाय। पियो पियो। बहुत टेस्टी है। मैं देख के आती हूँ पूछी। बाय मिस मी। क्या हुआ डील का फाइनल हुई कि नहीं? और ये मजनू वाली हालत क्या बना रखी तूने? अबे तू पहले यहाँ बैठ और ये बता कि तूने मोबाइल बदले थे कि नहीं। हाँ आज जब तूने मुझे दोस्ती की कसम दी। एहसान तुझे दोस्ती की कसम, ये एहसान कर दे मुझ पे, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आखिरी एहसान कर रहा हूँ पप्पू बेटा। उसके बाद मैं तेरे घर पे आया और तेरे टीएसएन रूम से तेरा वाला मोबाइल लेके जसबीर के मोबाइल से एक्सचेंज कर दिया। और यहाँ मेरी जिंदगी आज मौत में एक्सचेंज होते होते बच गई। पहले तूने आके मोबाइल चेंज किए और उसके बाद मैंने उस मोबाइल को बदल के वापस सही मोबाइल बाहर रख दिया। अरे पप्पू ये तेरा हाल हुआ कैसे यार? अबे जैसे ही मैंने वो मोबाइल ले जाके किशन खुराना को गिफ्ट किया, मुझे लगा कि मोबाइल खोलते ही उसे वो ब्लैक मनी वाली ऐप मिलेगी, लेकिन उसमें तो सनी लियोन वाला मेरा ट्रैप हो गया। उसके बाद कन्या को देख के उसने मुझे गन्ने से इतना मारा कि अब तो पूरी जिंदगी मुझे चलना पड़ेगा लेके लाठी का सहारा। उससे चलाता जय भारत। हाय हाय हाय।